दिया, ओ हो कभी तेरी खुशबू। और कल्लो श्यामा। सो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल, आई होप यू आर हैविंग अ ग्रेट डे। पता है आज मैं सोच रहा हूँ, आज मैं अपना पूरा रूटीन पे पूरा शेयर करूंगा। मतलब खुद तो ना इधर पे खुदाई करी यहाँ पे थोड़ा सा, तो इधर ऐसा लग रहा है कि इधर में भी कोई, अब छोड़ो वो बात नहीं करते। तो अभी मैं जा रहा हूँ चारा लेने खेत। अभी बज रहा है सुबह का 6:45 हो रहा है, तो पापा ने जाके चारा काटा होगा, मैं जाकर उसको उठा कर लाऊंगा। लगभग 300 मीटर है, ज़्यादा ही होगा, 300 से 350 मीटर के आसपास में भी पड़ जाएगा। उतना जाना उसके चार चक्कर लगाना कैन बी अ बिग टास्क, बट अभी हल्की हल्की सी एकदम शॉवरिंग हो रही है, हल्की हल्की बारिश हो रही है, तो देखते हैं। वैसे मतलब लोग काम पे जाने का मन नहीं होता, लेकिन मतलब मैं सुबह उठता हूँ सोचता हूँ, जब थोड़ा सा लेजी फील होता है तब मैं सोचता हूँ कि चलो आज नहीं जाता हूँ, लेकिन फिर मूड में आता है चलो चलते हैं यार, कुछ सीखने को मिलेगा, नए लोग मिलेंगे, तो मतलब एक अच्छा एक्सपीरियंस रहता है वहाँ पे। और घर में रह के करोगी भी क्या यार, मैं सोचता हूँ हाँ पबजी में मेरी 50 आरपी करनी है, 2 दिन बचे हैं मतलब ये सीजन या आरपी सीजन जो भी हो उसको हटने का, तो लगता है यार कंप्लीट कर लूँ क्या। फिर मैं सोचता हूँ यार अब मैं निखिल को अपनी आईडी दे दूंगा, वो बंदा मेरी आईडी खेलता है और आरपी भी कंप्लीट कर देता है, तो सोचा मैं निखिल को दे दूंगा और वो कर देगा। 3 आरपी बची हुई है, वो मिशन कंप्लीट कर देगा, मतलब 47 हो गई है, 48, 49, 50 करना है, तो सूट मिल जाए मेरे को, यूसी तो पूरी मैंने रिकवर कर ली है। और मैंने उमेश को पहले मैसेज किया कि भाई आज कंफर्म छुट्टी, फिर बाहर आया, मम्मी से थोड़ी बात हुई ऐसे नॉर्मली, मतलब दूसरी बात हुई, फिर लगा यार घर पे भी रहेगी, मैं क्या करूँगा, चलो जाते हैं देखते हैं। तो मैंने तुरंत मैसेज डिलीट फॉर एवरीवन कर दिया, काम खत्म, जाऊंगा आज भी। तो आज पूरा का पूरा रूटीन शेयर करूंगा, कैसा है, किस टाइम पे मैं क्या कर रहा हूँ। और अभी तो बाइक से जा रहा हूँ, कन्वेंस वगैरह नहीं लूंगा, और कन्वेंस का मतलब तो साधन ही होता है, मतलब मैं टैक्सी नहीं लूंगा और साइकिल से भी नहीं, मैं बाइक से जाऊंगा आज। कि सिनेमेटिक शॉट्स अच्छे लगे होंगे, बादल भयानक से हैं, मतलब भयानक से ही बादल हैं, और इधर पे 2 गट्ठर हमारे तैयार हैं, नंबर 1 नंबर 2, और 2 और भी रेडी करे जाएंगे। और इनको आज इनकी मतलब आज ज़्यादा रस्सियाँ लाए हैं, वो पीली वाली तो ऑलरेडी पहले से ही हमारी हैं, वो वाली रस्सियाँ तो वो 2 गट्ठर के लिए लिमिटेड है, और बाकी 2 गट्ठर और भी रस्सी डाल के तैयार कर दिए। तो इससे ये होगा कि मतलब घर पे मेरे को ना वो नहीं करना पड़ेगा, वो क्या मतलब खोलना नहीं पड़ेगा गटर को, सीधा सीधा जाके ऐसे खड़ा कर देंगे, तो जगह कम घेरेगा और साफ रहेगा, पानी जो मतलब जो बारिश होगी वो पूरा पानी निचोड़ के नीचे आ जाएगा, तो भरेगा नहीं पेड़ में, तो ख़राब नहीं होगा। और ये ऐसा मतलब इतनी बड़ी बड़ी सी जड़ें हैं, तो ये मतलब इतनी बड़ी बड़ी सी जड़ें बेकार ही होती हैं, और मशीन में कटती भी नहीं, इंजन में हमारा डाउन होने लगता है। 4.5 हॉर्स पावर का है, फिर भी उसको मतलब प्रॉब्लम फील होती है, तो उसके लिए थोड़ी सी आसानी कर दी, ये जो मोटी मोटी जड़ें इनको हटा दिए, बाकी ऊपर ऊपर के पेड़ काट लिए। हे टोनी, हु आर यू मैन, लेट्स गो। ऐसे हालात हैं, मतलब शक्ल भी नहीं दिख रही है, मैं ब्लॉग कैसे करूँ, मैं सोचा। तो मिशन 1 इज़ नाउ कम्प्लीटेड, अभी ऐसे 3 मिशन कम्प्लीट करने हैं। सोमो चढ़ने लगा, अरे मंजरी, देखो तो फोन को रखते घर पे। हाँ मिट्टू यार, You can also talk to my camera. Yes. Like this. मिट्टू के लायक अभी कुछ मिला नहीं। अरे
सी यू लेटर, बाय। हाँ बाय। तो गाइस आज थोड़ा नहाने धोने में देर हो गई थी और ये फिंगरप्रिंट लगा हुआ है मेरे कैमरे पे, एक सेकंड अभी थोड़ा सा साफ दिख रहा होगा। हाँ क्लीन हो गया। तो अभी और दादाजी के लिए वो शुगर मशीन की, शुगर जो चेक करने वाली मशीन होती है, उसकी स्ट्रिप चाहिए थी, चिप टाइप में होती है, उसमें ब्लड एक तरफ से लगाओ दूसरी साइड मशीन में लगा दो तो शुगर लेवल बताए थे, तो वो चिप लाए थे कल, तो वो देने जा रहे हैं, नाश्ता भी देंगे उसके बाद जाते हैं। अभी टाइम कितना हो रहा, 9:15। बाबा लो अरे स्प्रिट लाने को कही थी, भूल गए स्प्रिट, ले आएंगे, याद ही नहीं रहा एकदम। बुखार है क्या? नहीं बुखार नहीं। ठीक है छह सौ नहीं हो गया भैया, तो हो गया 9:30। चाबी हाथ में है, अरे यार इसे घूमो, ये देखो ये 9:30 बज गया, और इधर सोमू बैठे हुए रास्ते में, मेरी बाइक इधर खड़ी है, बताओ कैसे निकाले। देखो कल की इतनी बारिश हुई है भाई, पूरा का पूरा सब कचरा गंदा भर गया, निकालते हैं। चलो भैया आयरन मैन। तो अभी हो रहा है 9:50, फोन करके बोल रहे हैं पहुंचे उमेश को, छुट्टी दे दी उमेश जा रहा है, पता है 2 बजे ड्यूटी पहुंचे रहा 2 बजे। वैष्णो में हो ना? हां वैष्णो ही गए। ये देखो इस साल को बर्दाश्त नहीं होता, पूछे हम देख लेते हैं भाई। चैनल सब्सक्राइब करो यार, तुम लोग का करो भी चैनल सब्सक्राइब है, जरा इन्हें बताओ मैं इसको चैनल अपना बना लिया है कल ही तो बनाया है। ये बेटा उमेश लिखो ठीक है, गौतम किसका नाम है? मेरा गौतम। कहाँ के लिए गौतम डाले? कोई भी भाई रुको एक मिनट, बजाओ ठीक है भाई, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना आप लोग, हम डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल देंगे, सब्सक्राइब कर देना। शाम में ड्यूटी हमारी रहेगी तो हम अरे हम काट लेंगे। आज दिन में बवाल है, फोन आएगा तुम्हारे यहाँ दबाव कराना, नहीं तो आज घर चलेंगे, आज खाती तुम घर सोएंगे, लाना नहीं ड्यूटी करेंगे, आज 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 मौसम है, आज दीदी से दीवाई को भी फोन करेंगे भौजी को। अच्छा कहेंगे भौजी, अरे यार बढ़िया है यार, प्यार भी देते हैं और गलती करोगे तो पेलेंगे भी, बिल्कुल बनी बात। अच्छी जान लें सड़कों पे ऐसे 36 लोग जाते रहते हैं, क्यों नहीं किसी को कोई रोक। सही बात है, दोनों चलो दो लोगों से मिलवाते हैं। ये हमारे पिंटू भैया जो मैनेजर हैं, और ये है हमारे करण भाई। स्टार्टिंग में जब मैं इधर पे आया था चीजें नहीं मिलती, मैं करण को ही बुलाता था, ये पिंटू भैया मेरे जाने मनीष राय है। चलो और अभी एक और सर आए, मनीष सर, वो बाइक से लेके खड़े, मेरी बाइक उधर लगी हुई है, कनेर का वो पेड़ दिख रहा है सामने, उसके जस्ट नीचे वो बाइक मेरी लगी हुई है। आय हाय इसमें सीधा दिख रहा है न्यू बालाजी मेडिकल स्टोर। तो अभी ये मेडिकल स्टोर हॉस्पिटल दिखा देंगे कभी कभी, ये ऊपर है बेबी केयर वाला, इसको मैं तुम्हें शायद दिखाई आप लोगों को, मतलब जो डिलीवरी होती है बच्चों की वो लाकर सीधे इसमें रखे थे, इसमें वार्मर वगैरह काफ़ी मशीन्स लगी हुई हैं। व्लॉग एडिट करने भाई पहले के काफी सारे मेरे को, तो चलो करते हैं, लाइट वगैरह चला रखी है भाई, पावर हाउस है पूरा इधर पे ऐसा। ऊपर हमारा स्टॉक रहता है, ऊपर स्टॉक है, उधर साइड में स्टॉक है, उधर जितने फ्लूड्स डाले जाते हैं जैसे DNS NS RL वगैरह, आइसोलेट पी है, मेट्रोजिल है, वो सारे फ्लूड्स उधर रखे हैं, उनका स्टॉक है, और ऊपर स्टॉक है दवाओं का, इंजेक्शन वगैरह का कम रहता है, क्योंकि यार इधर पे मतलब अभी इतना स्टॉक है भाई, देख लोगे तो बहुत है, लेकिन उस हिसाब से कम स्टॉक रखते हैं हम लोग, काम चलाओ कि आधे घंटे तक काम चल जाए, क्योंकि भाई आधे घंटे से 15 मिनट से लेकर आधे घंटे तक में डिलीवरी हो ही जाती है हर हाल में, फ़ोन करो तुरंत डिलीवरी हो गई, मतलब वो वाली डिलीवरी नहीं, सामान की डिलीवरी हो गई तुरंत, तो ये एक बढ़िया चीज़ है। ये सीढ़ी लगानी पड़ती है ऊपर चढ़ने के लिए स्टॉक के लिए, और बाकी ऊपर उधर साइड जो चीज़ें रखी हुई सिरप वगैरह इधर पीछे साइड में, उसके लिए ये स्टूल है। तो बस इतना ये हेलमेट इधर पर रखा हुआ है, बाकी उमेश चला गया, सुमित चला गया, अभी भैया लोग भी चला गया।
वेयर पता है अभी ना मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये तो मान लो दिल है, ये अलग अलग चीज़ें, ये चीज़ क्या है मैं वो आपको अभी दिखाता हूँ, एक सेकेंड। हाँ अभी ये क्या लिखा हुआ है, जॉइंट फ्लूइड, इस बच्चे ने आगे बढ़ा दी, दिखती अपनी हो उसमें ठोक दिया। हाँ ये क्या है, मैं क्या दिखा रहा था, ये है मिस अन्नू का जॉइंट फ्लूड 17 ईयर्स ओल्ड। पता है जॉइंट फ्लूड ये है क्या, ये जो रेड कलर दिख रहा है ना, रेड कलर, ये रेड ब्लड सेल्स है। मतलब मैं देख के भाई इतना 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 ज्यादा एक्साइटेड हो गया था कि यार ये रेड ब्लड सेल्स है, मतलब भाई गॉड, कभी जिंदगी में मतलब देखा नहीं था ना। और ये ना मिक्स नहीं हो रही है, मतलब ये जो रेड है ये इसमें येलो में मिक्स नहीं हो रहा है। तो और मुझे क्या लगा, मुझे लगा कि ये फेरी नॉर्मल ना, नहीं विट को फॉलो, मुझे लगा भाई ये एल्डरवेट इंजेक्शन है क्योंकि इसमें रेड आता है और मतलब ऐसा येलो भी आता है, मुझे लगा भाई यही है। मैंने कहा भैया ये एल्डरवेट भरा रखा है ना, कहते देखो इसमें लिखा क्या है, जॉइंट फ्लूड। मुझे लगा जॉइंट फ्लूड मतलब दोनों का मिक्स, जॉइंट वो वाला वैसा फ्लूड रखा हुआ है। भैया ने पहला, बट कोई बात नहीं, लाइट्स ऑन, तो लाइट्स ऑन ऐसा करके समथिंग है, आज आज ना मतलब आज ब्लॉग बनाने का मेरा मन भी कर रहा है और मजा भी आ रहा है सुनने का काफी सारा। ये जो मतलब जो सिस्टम है अपना फ़ोन का, तो वो भी अच्छा लग रहा है कि यार दो मतलब दोनों साइड की स्क्रीन चल जाती है। सामने देखो इतना सारा स्टॉक है, मतलब इतना स्टॉक ये है, इतना स्टॉक ये, यहाँ पर सभी टैबलेट्स हैं और ऊपर वाली इस रैक में टैबलेट्स हैं, नीचे डिस्को है, फोले कैथेटर वगैरह हैं, इतना ये वाली इधर रैक है, ऊपर इंजेक्शन है पूरे, इधर साइड में थर्मामीटर, प्रोटीन पाउडर्स वगैरह हैं, ये प्रिंटर है, ये सारे फ्लूड्स रखे हुए हैं जो हम अभी एकदम चला रहे हैं, जो दो दिन में एक गत्ता खत्म हो जाता है, बाकी फ्लूड का स्टॉक उधर पे, उधर पीछे गत्ते दिख रहे हैं, मेरा हेलमेट भी रखा हुआ है। तो ये जॉइंट फ्लूड है, इसको रख देते हैं यहाँ अंदर, पूरा फ्रिज भरा पड़ा है इधर की, पता नहीं क्या। अभी ये चल रहा है हमारा देसी टैली और भैया से करवा रहे हैं हम, यार थोड़ा कर लो काम, एक बिल हमने निकाला था, एक भैया निकाल रहे, दो पेज में आ रहा है उसका, अब या तो हम लोग प्रिंटर चेंज करें या फिर पेपर लाएंगे पतला वाला जो, और पैसे में हाफ पेज में एक्सिस बैंक, क्या बात भैया आज तो बड़ा एक्सिस बैंक से आ रहा है। इनको पता है कि भैया ओमकारेश्वर हॉस्पिटल है, लेकिन ये फिर भी अमकारेश्वर हॉस्पिटल लिखते हैं, अमकारेश्वर हॉस्पिटल। तो कॉल होगा मैडम, बीपी भी लिया आपने, फोन आ रहा है विष्णु भैया के पास, मतलब विष्णु भैया क्या है मतलब। तो है गाइस, आई नो कि आपको कुछ भी नहीं दिख रहा होगा, बट मेरी घड़ी में टाइम वो भी नहीं दिख, वो दिख रहा है भाई घड़ी में टाइम दिख रहा है तुमको शायद, है ना, देख सकते हो। अब तरी पता है 7:30 बज चुका है, मैं अब बीबी सर की क्लास, मतलब बीबी सर की ओपीडी जल्दी शुरू होती जल्दी खत्म होती, 6:00 स्टार्ट होती 7:00 खत्म हो जाती है, मैं 7:00 निकलता हूँ, 7:30 घर बाइक से हूँ, इसलिए 7:30 तक अभी यहाँ पर आता हूँ, 7:15 निकला था भाई, जरा दूर का रास्ता है बस, साइकिल से बहुत लंबा लगता है, तो अभी मैं घर जा रहा हूँ बस। इधर पहले आपने मेरी पहले की वीडियोस में देखी होगी, लॉन्ग रेस फॉर 5 किलोमीटर समथिंग ऐसा करके मेरा कुछ टाइटल था, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो वीडियो में देखा होगा, यहाँ पे पूरी तरह से लाइट चल रही थी, लेकिन अब साला पूरी की पूरी लाइटें ही गायब कर दी भाई ये सब चोर लोग ने, मतलब गाड़ियां लगा के लाइटें उतार लेते हैं, काम खत्म। तो अब लाइट वाइट इधर की नहीं रहेगी, हाईवे की लगी हुई है, वो सारी हाईवे की लाइट्स है वो पूरी लगी हुई है, तो बहुत अच्छा लगता है भाई। इधर एकदम बिल्कुल अंधेरा है और हम इधर रुके हुए थे लघुशंका के लिए, उसके बाद निकलते हैं घर के लिए। ये है घर की हालत ऐसी,
ये सारा का सारा पानी टपक रहा है, पूरी छत टपक ही रही है पूरा का पूरा। इधर साइड में वो थोड़ा सा क्लीन है थोड़ा सा, बाकी ये वाला एरिया पूरा का पूरा टपक रहा है। इधर पे घास ज़्यादा उगाती है, कितना भी काटो घास आएगी आएगी, तो बस यहाँ पे पूरा पानी भरा हुआ है। तो बस गाइज आज के व्लॉग में इतना ही था, बस इसके बाद मैं सो जाता हूँ और बस सी यू लेटर रेफ्रिजरेटर, बाय बाय, सब्सक्राइब करना।